सो हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी टाइम बाद मैं ये लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आज लॉन्ग व्लॉग बना के, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गायब थी। तो आज पहले डेकोरेशन कर लेती, क्योंकि माता रानी का फर्स्ट डे है। एंड मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं पूरे 9 दिन का फास्ट करती हूँ नवरात्रा में, एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। बहुत सारे लोग आप लोग में से भी करते होंगे, तो जो करते होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और आपकी क्या क्या विशेज है ये भी बताइएगा। देन चलिए डेकोरेट कर लेते हैं। ये फ्लावर जो है वो मैंने आर्टिफिशियल यूज़ किया है, मैंने मीशो से बाय किया था इसको। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव भी हुआ था, तो मैंने इसको यूज़ करके डेकोरेशन किया। मुझे ज़्यादा डेकोरेशन का तो आइडिया नहीं है, बट मैंने कोशिश किया कि चलो थोड़ा सा इस बार डिफरेंट करते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने ये मंडप भी चेंज कर दिया था इस वजह से। एंड ये काफ़ी प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा मंडप था। एंड आपको पता है कि मैं ही अपने घर में जो भी डेकोरेशंस के काम होती हैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है यार। इससे लगता है कि हम भगवान से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहे हैं। एंड जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो सारी डेकोरेशंस करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें अपना एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी रंगोली, जो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मुझे ये भी करना होता है। एंड अगर मैं करती तो बहुत ही सुंदर बनाती। एंड पापा मम्मी को मेरा डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगा, वो बार बार आके देख रहे थे कि मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने जो है वो अपना डेकोरेशन कंप्लीट किया। एंड मेरा जो है वो 9 दिन का फास्ट रहता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बस एक टाइम रात को खाती हूँ और बाकी दिन पानी पे रहती हूँ, तो इस तरीके का मेरा कुछ फास्ट जाता है। एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस 9 दिन में सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक होती हूँ। अब वो माता रानी का जो भी आशीर्वाद हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं 6 साल से इस फास्ट को ऑलमोस्ट कर रही हूँ। एंड आगे भी देखते हैं, जब तक हो पाएगा तब तक तो मैं करूँगी ही। बस माता रानी से मेरी यही विशेष है कि मुझे हर जन्म में जो माँ बाप मुझे मिले हैं वही मिलें, क्योंकि उन्होंने फुल ऑन मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया यार। हर इंसान के माँ बाप बहुत ज़्यादा करते हैं, बट उन्होंने मेरे लिए एक्सट्रीम केयर, शायद जितना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, उससे ज़्यादा किया है उन्होंने। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं। फिर मैं फ्रेशन अप होकर के बैठ गई, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे पूजा करने में, और संडे भी था, ये हमारे लिए बेनिफिट था। नहीं तो फिर अगर स्कूल होता है तो हमें 7:15 तक स्कूल पहुंचना होता है। फिर मैंने सारे प्रसाद काटे, जो भी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि वो कलश नहीं बैठा पाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ शायद होता नहीं है इस वजह से। बट हाँ, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अपने आप को डिवोट कर सके ये 9 दिन माता रानी के चरणों में, तो बस इसीलिए। और मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे लोग फास्ट करते हैं, मैं, पापा, इस बार सिस्टर नहीं है, तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो जॉब करती है। एंड बस माता रानी से यही प्रे है कि वो ऐसे ही जॉब करते रहे, वो बहुत सक्सेस करे। एंड सेम चीज़ अपने लिए भी थोड़ा सा मांग लेते हैं कि चलो बस माता रानी मुझे भी एक अच्छी खासी जॉब दे दे। और ये मेरी मम्मी हैं, ये श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मुझे थोड़ा सा कम आता है कि कैसे श्रृंगार करना है, कैसे क्या करना है, तो ये मैं मम्मी को देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। एंड माँ का भी फास्ट है, माँ का आज फर्स्ट टाइम है इस बार, लेकिन मेरे पापा 25 ईयर से कर रहे हैं और मेरा 6th ईयर है, तो हम लोग इस तरीके से पूजा करते हैं पूरी नवरात्रा। और इतने पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस बीच में कुछ भी भगवान से मांग लूँ ना तो वो मुझे दे ही देंगे, ये वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हम खुद भी इतने पॉजिटिव रहते हैं, इतने फ्रेश रहते हैं कि अंदर तक पूरा शुद्ध शुद्ध रह सकते हैं, कि कह सकते हैं आप, तो इस तरीके से। एंड हम सारे लोग पूजा करने के बाद अपना पूरा फास्ट ऐसे ही पूरे दिन ऐसे ही चलता है। फिर रात में हम लोग सब एक साथ ही बैठ के खाते हैं, और खाने में भी सिर्फ हम लोग नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ फल ही खाते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड मैंने थोड़ा सा आज से अपना स्टडी भी प्रोसीड कर दिया है, क्योंकि अगर वो नहीं करूँगी तो वो एक पार्ट छोटा छोटा सा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, अब मैं जब आ चुकी हूँ उस फ्लो में तो मैं करना शुरू कर दी हूँ। और ये मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, तो पूजा के टाइम तो ज़्यादा देर तक कैमरा नहीं, मैंने मम्मा को बोला था कि थोड़ा सा पार्ट बस रिकॉर्ड कर दो कि मैं उसको व्लॉग्स में अपलोड कर सकूं। बट हाँ, उन्होंने किया था जैसा उनसे हुआ, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कैमरे को होल्ड कर रखा था, बहुत ही स्टेबल तरीके से। एंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर मुझे लग जाते हैं पूजा करने में। तो आज तो संडे था तो मैंने बहुत अच्छे से आराम से किया, बट कल से मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। तो बस माता रानी से एक ही विशेष है कि जल्दी जल्दी जॉब लगा दीजिए बस। फिर मम्मा ने अपना पूजा फिनिश किया, पापा ने किया, हम लोगों ने सब ने मिल के साथ में आरती किया। एंड वो आरती के साथ यार जो वो कपूर की स्मेल होती है ना,
वो सबसे ज़्यादा फ्रेश मुझे फील होती है। सो जॉब अपनी जगह है, बट मैं भगवान से एक चीज़ सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को बहुत लंबी आयु दें, मेरे सिस्टर को भी अच्छा खासा सब कुछ दे, जो वो चाहती है वो सब मिले। क्योंकि मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी से अटैचमेंट है या प्यार है तो वो यही तीन लोग हैं मेरे लाइफ में। एंड उसके बाद मैंने पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैंने अपने पैडागॉजी को पढ़ना शुरू किया। पैडागॉजी, अब मैं किस सब्जेक्ट के, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ मैं आपको ये बता देती हूँ। मैं DSSSB PRT के लिए पैडागॉजी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स की पैडागॉजी आती है जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट की होती है। तो आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको PDF जो है वो सरोहा पब्लिकेशन की बुक की मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो पैडागॉजी में पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा है एंड टाइम हमें बहुत कम मिलता है। जैसा कि पुराना एक्सपीरियंस आपने देखा है KVS के टाइम में, BPSC के टाइम में, कि ये लोग वैकेंसीज जल्दी निकाल देते हैं एंड एग्ज़ाम भी जल्दी करा लेते हैं, भले ही रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड स्टार्ट आप हमेशा NCERT से ही कीजिएगा, ताकि आपका थोड़ा बूस्टअप हो पाए। NCERT मैं हिंदी में यूज़ करती हूँ, इसका सिर्फ एक छोटा सा रीज़न है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर उसको 2 बार रीड करना पड़ता है। बट हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक चैप्टर को अगर छोटा है, मतलब 10 पेज का है, तो मैं दो दिन लेती हूँ। अगर वो 13-14 पेज का है तो मैं 3 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ। तो अप्रॉक्स आप ये कह सकते हैं कि मैं 1 दिन में 4 से 5 पेज रीड कर लेती हूँ एंड अंडरलाइन कर लेती हूँ जो जो मेन पॉइंट्स रहते हैं। फिर नेक्स्ट मुझे सिर्फ वो पॉइंट्स ही नोट करने पड़ते हैं। तो मैं बहुत सारे PDF के हेल्प से भी बनाती हूँ एंड आने वाले दिन में मैं आपको, इस छुट्टी में नवरात्रा एंड होते होते मैं आपको टेलीग्राम पे PDF ज़रूर अपलोड करा दूँगी, तो आप मेरे टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं। एंड फिर मैंने आज भी बहुत सारा डाला है, तो आप वो भी देख लेना कि अगर आपके कुछ हेल्प का हो तो हेल्प हो जाए। फिर शाम की आरती फिनिश की और बस प्रसाद रात का ग्रहण किया, और इसी तरीके से मेरा फर्स्ट डे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। एंड माता रानी करे मैं ऐसे ही पूरे 9 दिन तक उनकी पूजा कर सकूँ, सेम एनर्जी के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ मैं कर सकूँ, क्योंकि मुझे फास्टिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है एंड मुझे माता रानी का सेवा करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही रीज़न है कि मैं इतना ज़्यादा फास्ट करती हूँ या फिर कोई भी चीज़। एंड आप लोग में से भी बहुत लोगों ने कर रखा होगा, तो आप लोग बताना ज़रूर, और आपको मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा आज का ये भी बताना है। एंड स्पेशली मेरा छोटा सा डेकोरेशन कैसा लगा जो मैंने एफर्ट्स किया है, और ये है मेरा आज का खाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन।